मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कोविड 19 एवं मार्च 21 के जिला अस्पताल के देयकों को किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने, निजता भंग के नाम पर जिला अस्पताल बेमित्रा के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत को लेकर बेमित्रा से मुख्यमंत्री निवास भिलाई 3 पहुंचे ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार। जिला अस्पताल बेमित्रा में विगत कुछ दिनों से निजता भंग के नाम पर जिला अस्पताल के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर अन्यत्र संलग्न निलंबन के साथ ही जीवनदीप समिति के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर अपना रोष जताया। साथ ही इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में बेमित्रा से कर्मचारी अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुँचे। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में पीड़ित कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एवं अन्य विभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर के नाम लिखित शिकायत व उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग रखी है। वहीं पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि कार्य के दौरान हमें आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि हम सभी से अधिकारी द्वारा जातिगत दुर्भावना निकाला गया। गौरतलब है कि बेमित्रा जिला चिकित्सालय में कोविड 19 के दौरान मां अन्नपूर्णा कैटरिंग से खाद्य सामग्री और भुगतान को लेकर अनियमितता पाई गई थी। साथ ही इस चार्जशीट में ओवर राइटिंग तिथि के फेरबदल कर राशि दर्शाई गई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे पीड़ित कर्मचारियों ने ग्रैंड एसीएन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बहरहाल कर्मचारियों ने राज्य के मुखिया के सामने अपनी मांगे रखी है। देखना है इनकी मांगों का असर कब, कितना और कैसा पड़ता है। ऋषि कुमार जांगरे मेरा नाम है, मैं जिला सरकारी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ और मेरा वही है चाय कॉफी बस पूछा हूँ। मैं महिला टीम में आया था जांच में, मेरे को पता नहीं था वो जांच के दौरान महिला टीम वो जांच में आई, मेरे को पता नहीं है। जैसे मैं जूस अमूल का जूस जैसे मैं घुसा, संदीप ठाकुर अपना सीएस मैडम का नाम कुर्सी को लात मार दी। क्यों लात मार दी? वो बोलते हैं कुर्सी बैठने का उसका अधिकार नहीं है उसको, इसीलिए लात मार दी। कि उच्च स्तरीय अगर जांच हो और जांच करके हमारे लड़का मन बेगुना तो है ही, वो मतलब फिर से ज्वाइनिंग दिया। ठीक है, नाम है मैना देवी मांडले, सरपंच ग्राम पंचायत रजपुड़ी, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की जिला अध्यक्ष हूँ और साथ साथ मेरे सभी पंच भी हैं और मेरे ग्रामवासी भी हैं ग्राम मोहल्ला। लगभग 15 साल हो गए मेरे को वहाँ नौकरी करते हुए, उसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती इंजाम अंजाम डाल के हम लोगों को 4 जने को सस्पेंड कर दिए हैं। हम लोग इसके मुख्यमंत्री ज्ञापन भी प्रज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, कोई हल्लाबाजी कोई कुछ करने के लिए नहीं है। किस तरह का इल्जाम लगाया है क्या मैडम? अपना सी एस के साथ में रहते हैं, ये भी चाय पानी पूछ दिया इसलिए इसको निकाल दिए हैं। लोगों को नहीं आ चाहिए इसी भी कुछ स्त्री में चाहिए मैं आत्मदाह कर दूंगा सीधा कलेक्टर के सामने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।